A train travels 75 kilometer in a certain time. If train travels 20% faster than a car, but both reach at the same time because there was a 12 and a half minute halt for the train, find the speed of the car and train. वो देखिए कह रहा है ट्रेन जो है ना वो कार से 20% तेजी से दौड़ती है, तो अगर स्पीड टाइम और डिस्टेंस में दोनों लिखूं, एक जगह मुझे लेना है ट्रेन को और एक जगह मुझे लेना है कार को। ट्रेन 20% फास्ट है तो बेटा 20% का मतलब होता है 1/5, इसका मतलब अगर कार की स्पीड 5 है तो ट्रेन की स्पीड मेरे पास बन जाएगी 6। ठीक, डिस्टेंस दोनों को 75 किलोमीटर ही कवर करनी थी क्योंकि डिस्टेंस सेम है, इसलिए टाइम का जो रेशियो बनेगा वो बन जाएगा 5:6। अब चली भी सेम टाइम पे थी और पहुंची भी सेम टाइम पे, लेकिन दिक्कत क्यों हुई, क्योंकि ट्रेन 12:30 मिनट रुक गई, वरना ट्रेन को पहले पहुंचना था। तो यहां से मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों के जो पहुंचने के टाइम का डिफरेंस था, मतलब 5:06 का डिफरेंस, एक वो किसके बराबर है 25/2 के। अब मैं ट्रेन का टाइम निकाल लेता हूँ और क्योंकि कार की भी स्पीड निकालनी है तो मैं कार का भी टाइम निकाल लेता हूँ। एक की वैल्यू 25/2 बनी, तो यहाँ से 5 की वैल्यू बन जाएगी 5 × 25/2, लेकिन ये आंसर मिनट में है, ठीक है, ये आंसर मिनट में है, इसको आर में बदलेंगे, ये बन जाएगा 1/60। इसको काटा पीटी कर लेते हैं हम लोग, 5 से कट जाएगा 12 बार, ये आ जाएगा 25/24। तो ये हो गया हमारे पास टाइम, डिस्टेंस है हमारे पास 75, स्पीड निकालनी है, स्पीड निकलती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस 75, टाइम मतलब 25 नीचे और ये 24 चला जाएगा ऊपर, या 75 24 का 3 में मल्टीप्लाई करूंगा 72। तो बेटा ट्रेन की जो स्पीड है वो तो मेरे पास 72 आ गई, अगर अभी ऑप्शन देखता हूँ तो 72 यहाँ दिख रही है। कार की स्पीड निकालने के लिए आपको पूरी कहानी करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा 6 की वैल्यू मुझे दिखने लग गई 72, तो 1 की वैल्यू बन जाएगी 12, है ना, रेशियो 6:5 का था, अगर 1 की वैल्यू बनेगी 12 तो 5 की वैल्यू बन जाएगी 60, इसका मतलब कार की स्पीड 60 और ट्रेन की स्पीड बन जाएगी 72, और यही हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दिया है।